सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी 24 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आर्टिकल 15 को लेकर के रिसेंटली एक मूवी बनाई गई है, इसलिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आर्टिकल 15 में आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन से काम स्टेट आर्टिकल 15 में कर सकता है और कौन से काम स्टेट के द्वारा नहीं किए जाएंगे आर्टिकल 15 में। इसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और इन फंडामेंटल राइट्स में से कुछ फंडामेंटल राइट्स पर्सन्स के लिए हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए हैं। तो जिन फंडामेंटल राइट्स में पर्सन वर्ड यूज किया गया है, तो वो फंडामेंटल राइट्स भारतीय नागरिकों पे और कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आएगा तो उनके ऊपर समान रूप से लागू होंगे। और जिन फंडामेंटल राइट्स में सिटीजन वर्ड यूज किया गया है, तो वो फंडामेंटल राइट्स केवल इंडियन सिटीजन्स पे मीन्स भारतीय नागरिकों पे लागू होंगे और कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आएगा तो उसके ऊपर वो फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल नहीं होगा। आर्टिकल 15 में सिटीजन वर्ड यूज किया गया है, तो आर्टिकल 15 केवल इंडियन सिटीजन्स पे मीन्स भारतीय नागरिकों पे लागू होगा। कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आएगा तो उसके ऊपर ये फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हेडिंग ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मीन्स किसी भी नागरिक के साथ में उसकी जाति, धर्म, लिंग, वंश और उसके जन्म स्थान के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 क्लॉजेज हैं, जिसमें से फर्स्ट क्लॉज ये है कि स्टेट किसी भी भारतीय नागरिक के साथ में उसकी धर्म, वंश, जाति, उसके सेक्स मीन्स मेल या फिर फीमेल और उसके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इसमें सेकंड क्लॉज ये है कि स्टेट किसी भी भारतीय नागरिक के साथ में उसके धर्म, वंश, उसकी जाति, उसके सेक्स और उसके जन्म स्थान के आधार पे उसको किसी भी दुकान में, सार्वजनिक रेस्टोरेंट में, होटल में या फिर मनोरंजन के स्थान पे जैसे कि मूवी थिएटर में जाने से नहीं रोकेगा। इसके अलावा कुओं से, तालाबों से, बावड़ियों से या फिर स्नान घाटों पे जो कि सार्वजनिक हैं या फिर पार्टली गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें फंड दिया जाता है, तो उन जगहों पे भी भारतीय नागरिक को जाने से नहीं रोका जाएगा। इसमें थर्ड क्लोज ये है कि स्टेट विमेंस के लिए मीन्स महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है और ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए स्टेट को कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके अलावा इसमें फोर्थ क्लोज ये है कि स्टेट इंडियन सिटीजन्स जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं या फिर शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स मीन्स SC और ST के मेंबर्स हैं, तो उनके विकास के लिए स्टेट के द्वारा अलग से प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें फिफ्थ क्लॉज ये है कि स्टेट इंडियन सिटीजन्स जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं या फिर SC और ST के मेंबर्स हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। लेकिन कोई अगर माइनॉरिटी के द्वारा कोई इंस्टीट्यूशन बनाया गया है मीन्स कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए है, तो वहाँ पर स्टेट के द्वारा इसमें अलग से प्रोविजन नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन जो भी कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पर SC और ST के मेंबर्स के लिए और जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, तो उन पर्संस के लिए अलग से प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं एडमिशन को लेकर के। तो आई होप आप आर्टिकल 15 के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसलिए अगर कोई भी पर्सन के द्वारा या फिर स्टेट के द्वारा आपके साथ में किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव किया जाए आपके धर्म, वंश, जाति, सेक्स और जन्म स्थान के आधार पे, तो आप उसके अगेंस्ट में रिट फाइल कर सकते हैं और आपके पास में अधिकार है कि आप समान रूप से बिना किसी भेदभाव के कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मनोरंजन के स्थान पे, किसी भी होटल में, किसी भी दुकान में या फिर सार्वजनिक रेस्टोरेंट में, किसी भी कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तालाब से आप पानी ले सकते हैं, तो किसी भी चीज़ का प्रयोग आप कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। और अगर आपके साथ में कोई भी भेदभाव किया जाए, तो वहाँ पर आपके पास में प्रोविज़न ये है कि आप रिट फाइल कर सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट में। आई होप आर्टिकल 15 में जो आपको राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं उनके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं ऐसे वीडियोस डेली आपके लिए लाता हूं, तो इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें
और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि सभी लोगों को उनके आर्टिकल 15 में जो उनके पास में राइट प्रोवाइड करवाए गए हैं तो उसके बारे में उनको जानकारी हो।